अभी जो है अनार का जूस डाल दिए और यहाँ से अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, आस्ते आस्ते देखना किस हिसाब से कलर चेंजिंग होता है, ये देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के राजकोट शहर में। यहाँ पे हम आ चुके हैं रिद्धि सिद्धि कृषि उद्योग में और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं नेचुरल के जूस कैसे तैयार करते हैं। वैसे आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने गुजरात आए होंगे और गुजरात के लोगों ने गोला तो टेस्ट किया होगा, मगर आपने बर्फ से टेस्ट किया होगा ना। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, आज पूरा अमेजिंग सा चीज दिखाने वाला हूँ। और इनके फार्म से ही ये लोग जितना भी अभी चीजें देख रहे हो, जो आप फ्रूट्स देख लो या आगे वेजिटेबल्स देख लो, सब इनके खुद के ही फार्म के यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो हेल्दी तो है ही, तो चलिए आगे जाते हैं, अंकल जी से बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार ये कैसे अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ लाते हैं और कैसे इसे नेचुरली हेल्दी भी बनाते हैं हम सब के लिए। तो नमस्कार अंकल। तो अंकल पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम लवजी भाई हीरा भाई प्रजापति है। और अपने को ये कितने साल हो गया? हमारे यहाँ 22 साल हो गया। तो आपको जूस का कंसेप्ट बताते हैं कि जूस और मोस्टली में सब हाई शुगर मिल्क मिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। हमारा तो 100% नेचुरली लाइव सब जो कोल्ड प्रेशर जूसर में जूस बनाया जाता है, ये हमारा कोल्ड प्रेशर जूसर है, स्लो आरपीएम वाला मशीन है। स्टार्ट कीजिए। इसमें आइस डाला जाता है? नहीं, आइस का शॉप में आइस मिल्क शुगर वाटर कुछ यूज ही नहीं करते, मतलब वो दिखाई नहीं, रखते ही नहीं कोई। जो ये एप्पल का जूस है, एप्पल जो स्लो आरपीएम में निकलता है, जो ऑरेंज है मौसमी है। और आप देख सकते हो, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फ्रूट के जो कचरे हैं वो साइड से निकल रहे हैं, देख सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे ही डाल दिए, लेकिन देख सकते हो जो कचरे हैं वो साइड से निकल रहे हैं और यहाँ से जूस निकल रहा है। ये मिक्स फ्रूट हो गया, ये पाइनएप्पल, और ये पाइनएप्पल डाल दिया। अंकल वैसे अपने घर में होते हैं मिक्सर, वो मैं देखता हूँ काफी स्पीड में चलता, तो उसके आरपीएम तो काफी हाई हो गया। जूस होता है ना, वो निचोड़ की चीज है। हाँ जी। वो क्रश करने की चीज ही नहीं है। जी जी। हर कोई चीज जूस है जो निचोड़ने का काम है, निचोड़ के जो मोस्टली है अपने शेरडी बोलते गन्ना है। जी जी। और ऑरेंज है, मौसमी, पाइनएप्पल, सब निचोड़ा जाता है। जूस वही निचोड़ने से जो सिस्टम है ना, वही जूस बोला जाता है, क्रश करने की जूस सिस्टम नहीं। जी जी। और ये भी यही सेम यूज किया जा रहा है। ये जो एक 1 मिनट में 56 RPM घूमता है, वो जो मिक्सर है 1 मिनट में 5000 RPM में घूमता है, इसलिए सब न्यूट्रिएंट रुक जाता है। ओके। ये पूरा हमारा ये यानी इसका पोषक तत्व तो बना रहता है, न्यूट्रिएंट रुकता नहीं और हेल्दी रहता है और बना रहता है। यहाँ पे देख लो आप, अनार का मशीन रखे हुए और ये डाल दिए, और जैसे ही अंदर डालें इसके जो छिलके हैं वो भी साइड में अपने आप निकल जाएंगे, और जो जूस के तौर पे देख सको नीचे से जो है आराम से देख सको जो जूस पे निकल रहा है। सिंपली जितना भी पीस था वो डाल दिए अनार, और यहाँ से आराम से देख सको जूस है वो निकला जा रहा है। गोला, और ये देख लो अभी जो है गोला की मशीन जो है वो ऑन कर लिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी जो है जो अनार उस मशीन में डाला गया था, जो अपना क्रश किया गया था, जो अनार का जूस निकाला गया था, अभी उसी का ही गोला बनाया जाएगा। आप देख सकते हो अभी जो है अनार का जूस डाल दिए, और यहाँ से अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, आस्ते आस्ते देखना किस हिसाब से कलर चेंजिंग होता है, ये देखिए आप। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों मैंने आपको बताया कि नेचुरल चीज ये बनाते हैं। आप लोग यहाँ से देख लो, कहीं भी जो है शुगर ऐड नहीं किया है, सिंपली जो जूस निकाले वही जूस का अभी इन लोग गोला बना रहे हैं, और यहाँ पे कोई आइस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कोई एसेंस यूज किया गया है। और ये क्या हो गया? मिक्स फ्रूट। ओके। तो जो पहला आपने निकाला था, जो अंकल जी दिखा रहे थे, वही सेम अब देख सकते हो वही डाला गया, अब उसको भी साथ में डाला जाएगा। तो काफी समर सीजन के लिए हेल्दी कॉन्सेप्ट है, और इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई रोक टोक करेंगे और कोई ऐसा बोलेंगे कि भाई ये हेल्दी के लिए बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिटेबल चीज है। आप देख सकते हो अभी मिक्स फ्रूट जो डाल लेते हैं वो भी साथ साथ में क्रश करके गोले के टाइप में फॉर्म किया जा रहा है, क्या बात है। अरे दोस्तों देखिए, अभी जो है अपने गोले में ऐसा नहीं है कि जस्ट निकाला और हो गया, मगर इसमें अभी टॉपिंग्स भी डाली जा रही है, और ये सबसे पहले देख सकते हो जो कि हनी है वो डाली जा रही है। हनी के बाद देख सकते हैं ये काफी सारी जो फ्रूट है अपने बास्केट में रखी गई है, और ये जो होगी पाइनएप्पल ना अपनी। ओके। तो पाइनएप्पल आ गए, ये ऑरेंज आ गए, और ये अनार के दाने, और ये अपनी ग्रेप्स जो कि काली ग्रेप्स होती है,
तो ऐसे ही कुछ टॉपिंग्स देख सकते हो। पहले तो हनी डालें और ऐसे कुछ अपने गोला को जो है वो फॉर्म किए। काफी अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ आगे से जो मशीन में जो फ्रूट डाला गया था उसका जो भी कचरा था वो साइड से यहाँ देख सकते हो जो कि निकाला गया था। फिर ये जो आप नल टाइप सा जो देख रहे हो उसी में जो अपना फ्रेश फ्रूट का जूस है वो निकला गया। फिर वहाँ देख सकते हो उसी उस मशीन के मदद से जो अपनी अनार है वो पूरा का पूरा डाला गया। फिर डालने के बाद जो जूस बना है यहाँ पे उसी जूस के मदद से अपनी गोला मशीन मेकर के सहायता से इसे आराम से जो है गोला बना दिए। तो इसे अंकल ऐसा कह सकते हैं कि अपने इंडिया में फर्स्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गोला में, ऐसा तो कह ही सकते हैं हम। क्योंकि बाहर जो आइस का गोला मिलता है वो तो गले के लिए जितना अपना आइस खाद्य चीज भी नहीं है। जी जी, जी। अब पढ़े हम भी थोड़ा पढ़े लिखे किसान है लेकिन आइस वो खाद्य आहार नहीं है। जी। आइस किसी को रखने के लिए ठंडा करने के लिए आइस है, खाने के लिए आइस है भी नहीं। तो आइस किस कैसे खाता है मेरे को पता भी नहीं चलता। और जो बीमारी आती है आइस से ही आती है। आइस से ही आती है, ये आपने काफी सही चीज़। हम शॉप में आइस शुगर मिल्क के कलर ऐसे कुछ यूज नहीं करते। और दोस्तों यहाँ पे एंटर होते ही आप देख सकते हो जितना भी इनका प्रोडक्ट है वो पहले तो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे एंटर हो गए तो आपको एक एनवायरमेंट ऐसी मिलेगी, देख सकते हो साफ सफाई के मामले भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम आए इस वजह से साफ सफाई हुआ है, आप कभी भी आओ ऐसा ही सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की आप एनवायरमेंट देख लो जो कि फैमिलियर एनवायरमेंट है, आप ऐसा भी कह सकते हो। आपको कहीं से भी ये जो है एल्यूमिनियम की नहीं लगती होगी और काफी सही है स्टेनलेस स्टील। इससे आप ये कह सकते हो जो अपनी खटास रहती है वो बनी रहती है, बाकी अगर एल्यूमिनियम का अगर यूज करते हैं तो फिर खटास जो है वो बनी नहीं रहती है, वो चली जाती है और पूरा काला हो जाता है। अच्छा, तो जो आंवला का जूस होता है वो सही तरह से नहीं दिखता है, इस वजह से देख सकते हो। भले इन लोगों ने ज्यादा खर्चा किया मगर कुछ हेल्दी खिलाना है ऐसा संकल्प लेके ही किया है। आप देख सकते हो ये कितने लीटर का बोतल था अपना, लीटर ओके। तो एक लीटर का बोतल जो है कितने का है, 50 200 का। अच्छा, 200 रुपये का एक लीटर का बोतल यहाँ पे तैयार किया है। तो देख सकते हो जो कि आमले से टोटल तैयार किए हैं। और आमले का टोटल ये लोग 7 से 8 प्रकार के टोटल बनाते हैं अलग अलग टाइप के। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जूस बनेगा, इसके और भी मतलब कह लो अचार बना देंगे आपको, ड्राई बना देंगे, चटनी टाइप बना देंगे, काफ़ी अलग बना देंगे। तो ऐसे ही कुछ है, ये देख सकते हो अभी और भी है। अगर ऐसे ही अलग लेना चाहो तो ऐसे भी मिल जाती है, अगर जूस के तौर पे लेना चाहो तो वैसा भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये देख लो सूट के किसी हिसाब से ही किए हैं। और सैंडविच जो है वो आप इसका स्टफिंग देख सकते हो, इसका आपको एक बार स्टफिंग दिखा जो कि आपने पहले तो देखा ही होगा। और अपने जो ये गोले देख सकते हो इसमें ऐसा कोई भी आइस यूज़ नहीं किया गया जिससे आपके गले को मतलब थोड़े से भी खरोच पहुँच सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन टाइप जो सा आइस में होता है, मगर इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये काफ़ी हेल्दीएस्ट हो गया है, अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ अगर आप समर सीज़न में ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर से कीजिएगा, एक बार लाइफ में टेस्ट कीजिएगा। अगर राजकोट की हो तो ज़रूर से इस जगह पर विज़िट कीजिएगा। बाकी चलिए मैं भी एंजॉय करता हूँ, मिलता आपको ऐसे ही कुछ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही बने रहना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दो किस हिसाब से जो ये अपने प्रोडक्ट अपने शॉप में लाएं और फैलाते हैं और कैसे अपने फार्म से जो हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट आपके साथ पहुंचाते हैं। हाँ, तो अंकल जी हमने आपका नेचुरल सारे फ्रूट देख लिए, सारे वेजेस देख लिए, सारे सैंडविच देख लिए, तो बस अब इस जगह का एड्रेस क्या रहता है ये हमारे व्यूअर्स को बता दो और टाइमिंग क्या रहेगी वो भी बता दो। हमारा जो शॉप है ना वो गुजरात राज्य के राजकोट जिला है ना जी, इसमें जो काला रोड पड़ता है गौरव पर, उसके बाजू में 150 रिंग रोड पे के वॉल बोलते हैं ना, और इनके सरकार इसके बगल में ओकाल हॉस्पिटल है पड़ती है, ओकाल हॉस्पिटल के बाजू की गली में जो सिद्धि विनायक धाम है, गणेश दादा का मंदिर, इसके बाजू में रिधि सिद्धि कृषि उद्योग धाम की पेटी है, और दूसरी पेटी हमारी राजकोट रेस्कोर्स किसान बड़ा चौक, वहाँ रिधि सिद्धि फार्म के नाम से पेटी चल रही है, 22 साल से चल रही है, और हम खुद किसान है, किसान की शॉप है, किसान की सब प्रोडक्ट ही मिलती है। क्या बात है। और अपने गुजरात में सिर्फ 2 ही ब्रांच है ना, हमारे पास पूरा राजकोट में ब्रांच है, और हमारा फार्म जो है वो जामनगर जिला है गुजरात राज्य के, इसमें हमारा छोटा जुआन पर गाँव है जी, जो कालावड़ तालुका पड़ता है, इससे वह मेरा बाप दादा की फार्मिंग है, खेत है, हम जन्म से ही खेत क्या बात है। इसलिए आप सभी लोग को फ्रेश चीज पहुंचाना चाहते हैं, आपका एक ही मतलब सोच है। किसान है ना, हमारा जो मेरे को गौरव है
गर्व है, गौरव है कि मैं किसी बता देश में मेरा जन्म हुआ है और किसान के घर मेरा जन्म हुआ है। और एक बार इस शॉप का टाइमिंग क्या रहेगा? हमारा काम हर दिन दुकान शॉप खुला रहता है जी, लेकिन सुबह 8 बजे 8 बजे शॉप खुल जाती है और रात को 12 बजे तक खुली रहती है। लेकिन जो हमारा माल बिजनेस शुरू होता जाता है सुबह 9 बजे से रात को 11.30 बजे तक हम कस्टमर को माल दे सकते हैं। ओके, मतलब 8 बजे से सवेरे से लेकर अपने रात के 11 बजे तक। हाँ, रात के 11 बजे। ओके, थैंक यू अंकल जी। बाकी तो यही कुछ टाइमिंग है, यही एड्रेस है। अगर आप विजिट नहीं किए हो इस जगह पर, विजिट करो। अगर विजिट कर भी चुके हो कमेंट कर दो आपको इस जगह की कैसे सारी जो गोला मेकिंग है अपनी फ्रूट जूस है वो कैसी लगी। बाकी चलिए, मिलता है आपको इसी के नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।